देखो ये इंजन कहाँ पर लटका हुआ है, ये देख सकते हो आप, पेड़ पर इंजन लटका दिया। काफ़ी स्पीड से चलता है ये, यहाँ पर लटकने के बाद भी। तो चलते हैं दूसरी वाली जगह की ओर, देखते हैं वहाँ पर चलकर कि किस तरीके से उनका नक्शा रहता है, जगह का डिज़ाइन रहता है। और डिज़ाइन देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि कितने रूम उनके बन सकते हैं। अगर प्रदीप की जगह की हम बात करें, कैमरामैन, तो उसकी जगह काफ़ी है। उसकी जगह का फ्रंट है समथिंग 45 फुट, तो उसमें तो आप दो तीन गाड़ियाँ एक साथ एंटर कर सकते हो, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। और ये हमारे भ्राता कमल सिंह, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर पधार चुके हैं। तो कमल सिंह भाई, आज क्या काम होगा यहाँ पर? देखो यार, मिस्त्री बताएंगे भैया। हैं? मिस्त्री बताएंगे। तुम्हें कुछ ना पता? ये है प्रदीप, कैमरामैन की जगह, आप देख सकते हो। ये हमारे मम्मा घूम रहे हैं इधर उधर, बहुत ही ज्यादा संकट में हैं। और ये देखो प्रदीप का रेत पहले ही आ चुका है, ये शायद 2 ट्रॉली रेत यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इन्होंने रेत की व्यवस्था पहले से ही करा ली थी, लेकिन बच्चों ने सारे रेत को इधर उधर कर दिया है, बिगाड़ दिया है सब। ये देखो, मुझे लगता है किसी ने यहाँ से चुरा भी लिया है कुछ रेत। ये देखो गड्ढा सा हो रहा है ना, यहाँ से ऐसा लग रहा है कुछ रेत निकाल लिया है इनका। खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए जगह दिखाई, रोहितास भाई की जगह दिखा दी और प्रदीप की जगह दिखा दी। अब तो मैं आपको अपनी जगह दिखाऊंगा, तो वो इस वाले ब्लॉग में नहीं, वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। मेरी जगह यहाँ पर नहीं बल्कि भैजुई में है, और कितने भाई कितने की है, वहाँ पर कैसा उसका नक्शा है, कैसा किस तरीके का डिज़ाइन है, वो सारा कुछ वहाँ जाने के बाद दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ ब्लॉग के लिए लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करना, क्योंकि ये चीज़ें भी दिखानी कोई मामूली बात नहीं है यार। ये पता पड़ जाता है इस चीज़ से कि हाँ हमें जगह लेनी है तो किस तरीके की लेनी है, और कैसे मैनेज किया रहता है, और लोकेशन कहाँ की अच्छी रहती है कहाँ की नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। तो दोस्तों, मिस्त्री साहब हमारी जगह पे पधार चुके हैं, थोड़ी बात कैमरा मैन की जगह पधार चुके हैं। तो देखो ये है मिस्त्री, अभी हम आपकी बात कराते हैं। तो मिस्त्री साहब, ये जगह है इनकी 6 बजे। अब इस 6 बजे में तुम कितने रूम बना दोगे, कितनी लेटरिन बना दोगे, कितने बाथरूम बना दोगे, कितनी पार्किंग बना दोगे, कितने टट्टी घर बना दोगे, कितने भूतल घर बना दोगे, मतलब का हिसाब से बनाओगे? नाप तोल के बनेंगे भाई। पिलर कितने भरोगे? पिलर भी काफी भरे जाएंगे। मतलब कितने? कितने देख के बताओ। अच्छा भाई, हमारे मिस्त्री एक नंबर है, इनसे कैसे मजे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। तो देखो आप थोड़ी देर में ही अपना शुरुआत करने वाले हैं। नहीं, देखो भैया नक्शा दिखाते हैं अभी आपको। ये है जगह का नक्शा 6 बजे वाला। तो मिस्त्री साहब इसे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ज्यादा लिखी हुई है इसमें और संस्कृत कम। आज मजा आने वाला है कि इस जगह में मिस्त्री साहब कैसे मैनेज करते हैं, पूरा फंडामेंटल आपको दिखने को मिलेगा। 800 रुपये मिस्त्री साहब, सही करके पढ़ो, पढ़ के सुना और हमें। का लंबा ये, अच्छा लंबा ये 12 फीट 6 इंच की, चलो सही है। और 12 फीट 6 इंच है ये। अच्छा जी, 12 फीट 6 इंच रूम इंग्लिश में। अच्छा, 3x3 की टॉयलेट। अच्छा, 8x3 की किचन। अच्छा, मिस्त्री साहब को बता दो मामू तुम कहा। मिस्त्री साहब बताओ। हाँ, और फाउंडेशन का मंदिर। अच्छा अच्छा, मंदिर है फाउंडेशन, सही है। वैसा नक्शा तो सही है मिस्त्री साहब। 5 इंच के देना। 3 फीट 3 फीट 5 इंच का जीना दिया हुआ सही। अरे मिस्त्री, टॉयलेट वाली है जो जीना ना है। अरे है, ये जीना है तो वही, यहाँ से क्रॉसिंग गया और इधर को आया। अच्छा अच्छा, टॉयलेट के ऊपर देखो काकू ऊपर गिरा है वो तो ना। टॉयलेट के ऊपर ना है का नाम मिस्त्री साहब? जीना टॉयलेट के ऊपर ना है। देखो टॉयलेट ऊपर कहाँ आया जीना, ये क्या चीज है? अरे सुनो सुनो दोस्तों, ये दोनों मिस्त्री हमारे बहुत प्रचंड, बहुत प्रचंड मिस्त्री हैं। अभी देखो इनकी बेस्ट तुम, ठीक है? टॉयलेट है, ये कमरा है जी।
ये टॉयलेट है जो टॉयलेट मान को रास्ता है ये मेन जगह आ गई मेन गेट यहाँ से जाके ये सब ये का रूम है एक रूम है हाँ जिन्हें ना सही बताई मिस्त्री साहब मुझे सही बता रहे एकदम ये रूम है सब सब ना किचन एक रूम है दो रूम है तीन रूम चार रूम पांच रूम मुझे छठ रूम आप देखो तो एक किचन दो किचन चार किचन देखो यहाँ से कटिंग दी है यहाँ से और ये छोटी कटिंग है देखे ना हाँ और वहाँ तुम बता रहे सीधी सीधी ना कटिंग से ही काम चलेगा जैसे जाम कटिंग दी है ये सीधी ना है ये सीधी कटिंग नहीं है ऐसा कट के आई है अरे ये तो किचन की और बाथरूम की दीवार है छोटी जे जानते नहीं है मिस्त्री साहब तुम्हारी टक्कर को अगर सीधी लगा दी झाड़ करना कैसे जगह मिलेगी यहाँ पर बताओ देखो तुम नाच नाच के घूम देखो इनकी बुद्धि कितनी उगल रही है मिस्त्री साहब की। फ्रेंड्स अभी हमने आपके लिए अपने मिस्त्री साहब से मुलाकात कराई, अगर आपको इन मिस्त्री साहब से काम कराना है तो इन मिस्त्री साहब का नंबर मैं अपने इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनका नंबर किसी भी टाइम कहीं भी लगा के बात कर सकते हो। और ये बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, उन्होंने काफ़ी पुलों का निर्माण किया है, काफ़ी घरों को बनाया है। और भोले भंडारी का घर हमारा होली चौक पर है पीर जमालपुर के अंदर, उसे हम दिखा देंगे किस तरीके ने उन्होंने मैनेज किया है। तो प्रदीप ओ सॉरी नीरज भाई कैसे मिस्त्री है ये तो